देश में जब से अग्निपथ योजना को लाया गया है तब से हर रोज ना तो इस पर हंगामा कम होने का नाम ले रहा है ना ही राजनीति कम होने का नाम ले रही है। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने कहा है कि अगर अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी तो वो भी अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है और जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियतें क्यों दी जा रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस योजना पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियतें क्यों। राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। अग्निपथ योजना के विरोध की एक बड़ी वजह यह भी है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही उन्हें किसी अन्य भत्ते का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में सांसदों के वेतन में लगभग 30% की कटौती की गई थी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सांसदों की सैलरी अब कितनी है और उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। सांसदों की सैलरी के गणित पर नजर डाली जाए तो 30% की कटौती से पहले ये लगभग 1 लाख रुपए हुआ करती थी, जो बाद में 70,000 रुपए प्रति महीना हो गई। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पहले 70,000 हुआ करता था, जो अब 49,000 रुपए हो गया है। इसमें कार्यालय भत्ता 60,000 रुपए हुआ करता था, जो अब 54,000 है। इसके अलावा आवास, यात्रा भत्ता, टेलीफोन, इंटरनेट, सत्र के दौरान दैनिक भत्ता जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। तो वहीं पेंशन की बात की जाए तो हर पूर्व सांसद को 20,000 रुपये पेंशन दी जाती है और अगर कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा का रहा हो तो 1500 रुपये हर साल उसमें जुड़ते जाते हैं। वरुण गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को सेवानिधि दी जाएगी, जो कि 12 लाख रुपये होगी। तो उसके बाद ना तो कोई पेंशन होगी ना कोई सेवा भत्ता, और यही इस विरोध की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है।